जहां एक तरफ सलमान खान सुर्खियों में बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सौमी अली के भी चर्चे खूब हो रहे हैं। दरअसल सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सौमी ने कहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग का स्क्रू ढीला है। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि लॉरेंस कोई बच्चा नहीं है और वो लोगों की जान ले रहा है, ये मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा, मैं लॉरेंस से मिलकर बात करना चाहती हूं और इसके दिमाग में जो वायरिंग गलत है उसे ठीक करूंगी। साथ ही ये भी कहा कि उसे साइकोलॉजिकली थोड़ा थेरेपी दूंगी। सौमी अली ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं लॉरेंस बिश्नोई से इसलिए मिलना चाहती हूं क्योंकि उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है, उसके स्क्रू को ठीक करना है। वो खुद को गैंगस्टर कह रहा है और वो 33 साल का आदमी है, वो 20 या 17 साल का कोई बच्चा नहीं है। वो LLB है, वकील है वो। उसको अगर TRP चाहिए तो TRP गैंगस्टर बनकर मत ले, TRP वकील बनकर ले। सौमी अली ने इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि सलमान खान ने अनजाने में काले हिरन का शिकार किया। उन्होंने कहा, सलमान को ये नहीं मालूम था कि बिश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है। वो इलाका बहुत बड़ा है, वहाँ पर बहुत शिकार होते हैं, पर सलमान को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सलमान खान है। इस दौरान सौमी अली ने दावा किया कि सलमान को शिकार करने का शौक था। उन्होंने ये भी कहा कि वो सलमान के साथ शिकार पर जाया करती थी। उन्होंने कहा, मैं उस आउटडोर शूटिंग पर नहीं गई थी जिस वक्त ये कांड हुआ, आमतौर पर मैं आउटडोर शूटिंग में जाया करती थी। सलमान को शिकार का शौक था, मैं साथ जाती थी तो खांस देती थी तो जानवर भाग जाते थे। सलमान ने कहा कि मैं इस शूटिंग में तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। सौमी ने दावा किया कि शूटिंग से वापस आने के बाद सलमान ने उन्हें बताया था कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि ये लोग काले हिरन की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की गवाह हूं कि सलमान खान को इस बात की जानकारी नहीं थी। स्वामी ने कहा कि एक ही आदमी ने काले हिरन को नहीं मारा है, लेकिन सलमान स्टार है तो उनके पीछे ये लोग पड़ गए हैं।